हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। नच बलिए 9 में अब आएगा बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि मधुरिमा और विशाल के बीच फिर हो गई है लड़ाई। एक दूसरे को इन दोनों ने कहे अपशब्द। टीवी का पॉपुलर डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में कपल्स के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसमें मधुरिमा तुली और विशाल सिंह का नाम टॉप पर है। दोनों के डांस से ज्यादा उनके बीच की लड़ाई, झगड़े और नोक झोंक चर्चा में रहे। यहां तक कि रिहर्सल के दौरान मधुरिमा ने विशाल को थप्पड़ तक जड़ दिया था। अब एक बार फिर से मधुरिमा और विशाल के बीच की विवाद की खबरें सामने आई हैं। चर्चा है कि रिहर्सल के दौरान दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। स्पॉट बॉय ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के माध्यम से बताया कि मधुरिमा और आदित्य के बीच झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे को जमकर अपशब्द कहे। प्रोडक्शन टीम ने दोनों को शांत होने की सलाह भी दी, लेकिन वो नहीं माने और एक दूसरे को गाली देते रहे। जब प्रोडक्शन टीम के लोगों ने दोनों को एक दूसरे के पास से दूर हटाया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान मधुरिमा ने विशाल को थप्पड़ मारने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने विशाल को थप्पड़ मारा क्योंकि उन्होंने मुझे धक्का दिया था। मैंने उन्हें गाली दी थी तो वो मुझे गाली दे सकते थे, उन्हें मुझे धक्का देने का कोई हक नहीं है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे लगा कि ये हाई टाइम था और मैंने रिएक्ट किया। मधुरिमा ने आगे बताया था कि विशाल को चंद मिनटों तक एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने उन्हें थप्पड़ मारा। जब मधुरिमा से पूछा गया कि क्या वो लड़ाई झगड़े भूलकर विशाल के साथ अच्छी तरह से रहेंगी, क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, अगर कभी वो मुझसे कहीं टकरा भी जाए तब भी मैं उससे बात करना पसंद नहीं करूंगी। इससे तो साफ है कि आदित्य और मधुरिमा के बीच की दूरियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।